Tamari, a very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So aaj hum karne wale hain Thing of Beauty written by John Keats. बहुत ही कमाल की पोएम है, आपको एक नया परसेप्शन दे देगी खूबसूरती के बारे में. और आपको बता देती हूँ कि ये एक एक्सर्प्ट है, यानी कि एक हिस्सा है, बड़ी पोएम है जिसका एक हिस्सा सिर्फ हम क्लास 12th के अंदर पढ़ने वाले हैं. ये पोएम है एक शेफर्ड और मून गॉडेस की जर्नी की. कहीं ना कहीं एक शेफर्ड को जब मून गॉडेस सिंथिया दिखती है तो वो एकदम से उसे सीख करने के लिए निकलता है और रास्ते के अंदर उसे इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें दिखती है कि उसका जो परसेप्शन है खूबसूरती को लेकर वही बदल जाता है. तो बस कुछ ही एक हिस्सा जो है इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. इससे पहले कि मैं आपको आगे इस फॉर्म के बारे में बताऊं, आपको बता देती हूं कि अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2023, जिसके तहत अगर आपके पास में है कमाल का आइडिया तो आप उसे पिच कर सकते हो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री. इसमें रजिस्ट्रेशन, इसका पार्टिसिपेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री. आप इसके अंदर अपने आइडियाज़ को पिच कीजिए. आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 3 लाख रुपए तक के प्राइसेस. इसके साथ साथ में आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा मेंटोर किए जाओगे और IIT कानपुर के ई सेल से आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है. आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा. रजिस्ट्रेशन 30 जून को बंद हो जाने वाला है. कोड आपने लगा देना है SDC18 और फटाफट से एब्सोल्युटली फ्री रजिस्टर कर लेना है. ओके, इसके साथ में आर अकेडमी आपके लिए लेकर आया है बिगर सेविंग्स, क्योंकि 25% ऑफ है आर अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे. आर अकेडमी आपको ऑटोनॉमी देता है कि आप जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आप पूरे प्लेटफॉर्म को, दैट मीन्स अपने पूरे क्लास को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इनफैक्ट वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स सब मिलता है. अगर आप सिर्फ किसी एक्सट्रीम के किसी बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इनफैक्ट वो भी कर सकते हैं. और अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. 25% डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है. आपको कोड लगा देना है SDC18 और फटाफट से आ जाना है अन अकेडमी प्लस से, जहाँ पर होती है 100 on 100 की तैयारी. अच्छा, इसके साथ में अभी हमें शुरू कर देनी है हमारी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने. बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम को लिखा गया है. बात की गई है एक नए परसेप्शन की, एक नए नज़रिए की. देखिए, खूबसूरती के लिए ना हम बहुत सारे स्टीरियोटाइप सेट कर देते हैं. हमने क्या कर रखा है ना, खूबसूरती के लिए एक एक नज़रिया ऑलरेडी बना रखा है कि ये चीज़ खूबसूरत है, ये चीज़ खूबसूरत नहीं है. पोएम की एकदम स्टार्टिंग के अंदर ही जॉन कीट्स उन सारे स्टीरियोटाइप को एकदम से किल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खूबसूरती को किसी से भी डिनोट नहीं किया, किसी चीज़ से भी डिनोट नहीं किया. आप जिस भी खूबसूरत चीज़ के बारे में सोच सकते हो ना, यहाँ पर उसको कहीं डिनोट नहीं किया गया. उन्होंने शुरुआत ही कैसे की है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी. दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है, ठीक है. तो उन्होंने डेफिनेशन की स्टार्ट की, जब वो डिफाइन कर रहे हैं कि उनके लिए खूबसूरत चीज़ क्या है, तो उन्होंने बोला अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी खूबसूरत चीज़ है ना, इज अ जॉय फॉर एवर. खूबसूरत चीज़ जो होती है वो सोर्स ऑफ जॉय होती है, उसके अंदर से आती है खुशी, इमेंस खुशी, और ऐसी खुशी जो कि हमेशा के लिए रुकने के लिए होती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती है. खूबसूरत चीज़ें दिमाग पे छाप छोड़ती हैं, और ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं ये जितनी बार आप इनके बारे में सोचते रहते हो उतनी बार ये कहीं ना कहीं एक इम्प्रिंट हमारे दिमाग पे छोड़ती है. इस इम्प्रिंट से उतनी बार आपकी इससे प्रोड्यूस होने वाली अच्छी फीलिंग्स मल्टीप्लाई होती रहती हैं. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, कभी भी ये ज़ीरो नहीं होने वाली है. कभी भी ऐसा नहीं फील होने वाला है कि जिस चीज़ के बारे में आप कभी बहुत अच्छा फील कर रहे थे, जो चीज़ आपके लिए टाइम पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, आज जब उसके बारे में आप सोच रहे हो तो आपको वो खुशी नहीं हो रही है ना. हर खूबसूरत चीज़ जो है वो आपको खुशी देती है, उससे आने वाली खुशी मल्टीप्लाई होती है और वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती. बट विल कीप अ बोआ क्वाइट फॉर अस. यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉन कीट्स बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ना खूबसूरती को चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि खूबसूरती तो फीलिंग है. हम खूबसूरती को लोगों में ढूंढते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, नदियों में ढूंढते हैं, पर खूबसूरती तो एक फीलिंग है, आपकी खुद की आँखों में है. खूबसूरती ना उस फीलिंग के जैसी है जैसे कि ना एक ठंडी छाँव. अगर आप बहुत ही ज़्यादा एकदम गर्मी से बेहाल हो गए हो और आपको एक शांत, एक बहुत ही ठंडी छाँव देखने को मिल जाए, तो आप कितना सुकून महसूस करते हो,
कितना ज़्यादा काम पीसफुल महसूस करते हो। ऐसा लगता है जैसे कि अभी अगर मुझे और कोई कुछ भी दे देता तो उतना ज़्यादा काम का नहीं था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना ज़्यादा ये सुकून भरी छाँव है, ये बोर है। तो बोला कि ये एकदम ऐसा ही है, ये जो बोर है ना बच्चों, ये एक्चुअली यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि ये बोर एक्चुअली क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसी चीज़ें जो खूबसूरत है। कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं ना, ये खूबसूरत चीज़ें हमें वैसा ही पीस प्रोवाइड करती हैं, हमें वैसा ही काम कर देती है जैसे कि शायद एक ठंडी छाँव कर देती हो। अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक अच्छी नींद होती है ना जिसके अंदर हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, कुछ ऐसी नींद जिससे बस हम जागना ही नहीं चाहते, अरे नहीं यार सपना टूट जाएगा, हम बस ये सबकॉन्शियसली सोचते रहते हैं और सोते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है आंखें खुलते ही टूट जाएंगे। कितनी अच्छी फीलिंग होती है वो, खूबसूरती वो है, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बहुत सारी चीज़ों को आज हम पैसों से खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इनफैक्ट एफर्ट्स से भी खरीद सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैठ कर, अगर मान लीजिए आपने दो पल इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, या यू नो आपका जो परसेप्शन है बस वो किसी चीज़ को लेकर चेंज हो गया, उसी से मिल जाती है। आप एक चैन की सांस को खरीद नहीं सकते हो, वो चैन की सांस कीमती है, मतलब उसका कोई कीमत ही नहीं है, बहुत कीमती है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं लग सकता है, ठीक है। अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो हेल्थ को कमाया ज़रूर जा सकता है, बट वो बहुत ही जल्दी उसको गवाया भी जा सकता है। तो कितना ज़्यादा खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं इन यू नो इन हेल्थ के जैसे, गुड हेल्थ के जैसे, एक अच्छी गहरी चैन भरी सांस की जैसी है। वो ऐसी फीलिंग है जिस फीलिंग के अंदर, जिस फीलिंग को आप कुछ नहीं, कैसे भी नहीं कमा सकते हो, जिस फीलिंग को आप अर्न करते हो, क्योंकि आपका परसेप्शन वैसा है। तो कितना खूबसूरत है ना जॉन कीट्स का परसेप्शन यहाँ पे, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि कोई पैरामीटर नहीं है खूबसूरती का यहाँ पे। जो भी दुनिया यहाँ पर बात करती है कि ये चीज़ खूबसूरत है, ये चीज़ खूबसूरत नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अगली, ये जितनी भी बातें होती हैं, कोई पैरामीटर नहीं है खूबसूरती का। इनफैक्ट आप जैसे जिस भी चीज़ को सीख करते हो, जैसे किसी चीज़ को देखते हो, वही खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की है कि देर इज़ नो पैरामीटर टू ब्यूटी। खूबसूरत चीज़ हर वो चीज़ है जो हमें खुशी प्रोवाइड करती है, एक फीलिंग है। आपको यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगा AABBC, आप देखिए फॉरएवर नेवर एक साथ राइम कर रहे हैं, विल और सॉरी कीप और स्लीप एक साथ राइम कर रहे हैं, कीप और स्लीप एक साथ राइम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड देन वी हैव ब्रीदिंग, जो कि बाय द वे नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर रेडिंग के साथ में राइम कर रहा है, बट यहाँ पर फुल स्टॉप आने की वजह से AABBC जो है वो हमारी राइम स्कीम है। आपको यहाँ पर एलिट्रेशन भी देखने को मिलेगा स्लीप और स्वीट के अंदर, जब भी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है, कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड को रिपीट किया जाता है, जब भी दो क्लोजली प्लेस वर्ड्स के बिगनिंग में कॉन्सोनेंट वर्ड्स की लेटर्स की साउंड को रिपीट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, जैसे कि स्लीप स्वीट में, ठीक है, स स का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ पर मेटाफर भी देखने को मिलेगा, मेटाफर का मतलब होता है जब मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करती हूँ, जब मैं किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कंपेयर करती हूँ किसी दूसरी चीज़ के साथ में, तो उसे मैं मेटाफर बोलती हूँ। यहाँ पर जैसे वैसे उसके जैसा ऐसा कुछ नहीं लगता है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये नहीं बोला है कि खूबसूरत चीज़ें बोर की जैसी है, इनफैक्ट क्या बोल दिया है कि बोर अपने आप में खूबसूरत चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बोर है ये एक्चुअली मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वो क्या बताना चाहते हैं, खूबसूरत चीज़ें जो कि उतना ही काम, उतना ही पीसफुल इम्पैक्ट लेकर आती है हमारे ज़िंदगी में जितना ठंडी छाँव लेकर आती है। ऑल राइट, देयरफोर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence, of the inhuman dread, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all,
some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इसीलिए हम हर दूसरे दिन खूबसूरत चीजें, क्योंकि हमें ऐसी फीलिंग प्रोवाइड करती है जिस फीलिंग से कोई एस्केप ही नहीं है, जो फीलिंग बस मल्टीप्लाई होती रहती है, इसी वजह से हम हर सुबह ऑन एवरी मोरो, मतलब हर दूसरे दिन, आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड, हर दूसरे दिन हमारी पहली सांस के साथ में इन सारी खूबसूरत चीज़ों के ज़रिए मदर अर्थ के साथ में एक माला क्रिएट करते हैं। हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो हमारी पहली सांस के साथ में ये खूबसूरत चीज़ें हमें अर्थली सेंसेस के साथ में, मदर अर्थ के साथ में जोड़ देती है। हमारे ऑर्गन्स यू नो कहीं ना कहीं जिंदा महसूस करते हैं, ठीक है। तो वो जो है, ये जो फीलिंग है जो हर सुबह हम लोग जोड़ते हैं हमारी मदर अर्थ के साथ में, उसके बारे में यहाँ पर बात किया है कि हर सुबह आर वी रेडिंग, रेडिंग का मतलब हो गया यहाँ पर पिरोना, माला बनाना। पिरोना क्या पिरो रहे हैं? फ्लावरी बैंड, एक माला बना रहे हैं। ये माला एक्चुअली है क्या? ये है ब्यूटिफुल थिंग्स। हर सुबह हम एक कनेक्शन बनाते हैं अर्थ के साथ में थ्रू ब्यूटिफुल थिंग्स। Spite of despondence of the inhuman dread, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग लाइफ के अंदर उसके दूसरे यू नो कह सकते हैं पार्ट को फेस कर रहे होते हैं, है ना। कभी कभी जब हम बोलते हैं कि लाइफ, यू नो लाइफ जीनी है, लाइफ है मेरी भी, है ना, कितने कितने कैशुअली हम ये बातें बोलते हैं कि लाइफ हो तो ऐसी, है ना। तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम लाइफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, हर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप लाइफ का सिर्फ एक पहलू वहाँ पर देखते हो। लाइफ दो पहलुओं के साथ आता है, कहीं ना कहीं एक कॉइन के समान है जिसके दो फेस हैं, जिसके दो साइड्स हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी का दूसरा साइड हम फेस कर रहे होते हैं, कभी कभी हम ज़िंदगी का दूसरा साइड यानी कि डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे होते हैं। बहुत मेहनत करी होती है, जेई में आग लगा दी, मेहनत करी, नीट में मेहनत कर दी, CA में मेहनत करी, UPSC क्लियर नहीं हो रहा, बहुत सारी, कभी कभी कुछ भी चीज़ को लेकर, नॉट जस्ट स्टडीज, हम बहुत चीज़ों में एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। वी वॉन्ट दैट रिलेशनशिप टू वर्क, ठीक है, हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स खुश हो जाए, हम चाहते हैं वो फॉरेन ट्रिप करना, और बहुत मेहनत करते हैं और पता नहीं खुद ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम खुद ही खुद को डिसअपॉइंट कर लेते हैं। और कभी कभी डिसअपॉइंट करते हैं हमें दूसरे लोग, कभी कभी हम होपलेस हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार अभी मेरा तो कुछ नहीं हो सकता इस जीवन के अंदर। पर कभी कभी ऐसा हमें इसलिए भी फील होता है क्योंकि द इनह्यूमन ड्रेड का मतलब क्या होता है? लैक, किसी चीज़ की कमी होना। और इनह्यूमन का मतलब क्या है? बोला कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो है ये ह्यूमैनिटी लैक करते हैं, ये लैक करते हैं नोबल नेचर। ये सारे के सारे लोग इनह्यूमन हो चुके हैं, ये सारे लोग लैक करते हैं नोबल नेचर। दैट मीन्स समटाइम्स किसी एक चीज़ को, किसी एक पर्सन को देख के हमें ऐसा लग रहा होता है यार ये दुनिया के अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है क्या? हाँ, ये दुनिया के अंदर कोई इंसान ही नहीं बचा है क्या? क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ ऐसा? मैं तो इतना सब कुछ करती हूँ सब लोगों के लिए, हाँ मैंने तो अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप को, 100% दिया है, या फिर आप किसी एक इंसान को बस मदद कर रहे होते हो और उल्टा आप ही के ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि यार भगवान जी दुनिया के अंदर की इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा ही फील हो रहा है कि कभी कभी हम अपने आप से डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, तो कभी कभी दूसरों से भी ऐसा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया के अंदर नोबल नेचर ही ख़त्म हो गया है, दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो गई है, ऑफ द ग्लूमी डेज, या फिर सिर्फ कभी कभी ना हमारा दिन ही अच्छा नहीं जा रहा होता, कुछ हुआ नहीं है, बस दिन अच्छा नहीं जा रहा। कहते ना आज तो दिन ही बेकार है, आज दिन ही बेकार है, मतलब आज वाइब भी बेकार है। तो कभी कभी हमारा दिन ही अच्छा नहीं जा रहा होता, या फिर ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कर्ड वेज, या कभी कभी हम खुद यू नो अपनी तरफ से ऐसे ऑप्शंस चूज कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं जो बहुत यू नो डार्क है, जहाँ से आगे हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जहाँ से हमें आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है। कभी कभी हम किन्हीं ऐसी चीज़ों पे चल पड़ते हैं, ऐसे वेज पे चल पड़ते हैं जो वेज शायद हम जानते थे कि गलत हैं, बट अब हम उन पे निकल पड़े हैं तो अब कुछ नहीं कर सकते। देर इज़ नो टर्निंग बैक,
वापस नहीं जा सकते, या फिर कभी कभी तो सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि हमें ना किसी बस डार्कनेस ने हमें सराउंड कर लिया है एंड देर इज़ नो वे आउट, और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसा जब हमें फील हो रहा होता है, जब हम लाइफ के इस फेज को महसूस कर रहे होते हैं मेड फॉर आर सर्चिंग, ऐसे टाइम पे हम अपने लोएस्ट पे होते हैं और हमें बस एक वजह चाहिए होती है उठ खड़े होने की। हम जितनी बार जिंदगी के अंदर गिरते हैं बस एक वजह चाहिए होती है और उस वजह से हम फिर खड़े हो सकते हैं, हम फिर हसल कर सकते हैं, हम फिर जीत सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ऐसे में मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट। हम लोग खोजते हैं उस वजह को हमारे अंदर, हम खोजते हैं उस वजह को दुनिया के अंदर। ये जो वजह है, ये वजह इन सारी चीज़ों के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद किसी शेप में आती है, सम शेप ऑफ ब्यूटी। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जॉन कीट्स ने सारे पैरामीटर्स जो हैं खूबसूरती के वो ख़त्म कर दिए हैं। जो खूबसूरती के पैरामीटर्स कहते हैं, ये चीज़ खूबसूरत है, ये चीज़ खूबसूरत नहीं है, अगली है, हाँ ठीक है, ये जो हम लोग ये पूरा का पूरा हमने खूबसूरती का पैरामीटर रखा है, जॉन कीट्स ने ख़त्म कर दिया उसे। पूरा सम शेप ऑफ ब्यूटी, किसी भी शेप के अंदर खूबसूरती आ सकती है एंड मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। और जो हमारा सोल डार्क हो चुका होता है ना, जो हम अंदर से टूट चुके होते हैं, होपलेस फील कर रहे होते हैं, किसी भी सेंस के अंदर, किसी भी शेप के अंदर एक खूबसूरती आती है और आकर हमारे उस स्पिरिट से, उस डार्कनेस के क्लाउड को बस ले जाती है। मानो जैसे कि पापा आए और पापा ने एक बार बस पीठ थपथपाई, सुन चैम आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा लगता है जैसे नहीं यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो बस ये एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा। या फिर मम्मी आई और मम्मी ने बोला आ जा तेरे सर पे तेल लगा देती हूँ, या फिर आ जा खाना खा ले तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए। किसी भी शेप के अंदर खूबसूरती आ सकती है, क्योंकि खूबसूरती तो एक फीलिंग है ना, हम उसे लोगों में, चीज़ों में ढूंढते हैं, पर वो तो हमारे अंदर है ना। खूबसूरती किसी भी फॉर्म के अंदर आती है, हमें वो फीलिंग जो है वो अच्छी वाली फीलिंग, वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग, वो हमें प्रोवाइड करती है, जो हमारे लिए एक कह सकते हैं ना, एक नेवर एंडिंग जॉय है, एक नेवर एंडिंग सोर्स है मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का। इस दुनिया में हर इंसान टूट जाता है, इस दुनिया में हर इंसान गिरता है, पर वापस से संभलने का, उठ खड़े होने का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बस कोई तो खूबसूरत चीज़ दे जाती है। हर बार जब हम हार जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम टूट जाते हैं, तो उस टाइम पर किसी फॉर्म के अंदर खूबसूरत चीज़ें आती है और हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है फिर कोशिश करने के लिए और हार ना मानने के लिए। इसी वजह से तो शायद हम सब चल रहे हैं। हर नए दिन हमें एक नई वजह मिलती है, हर सुबह एक नई वजह लेकर आती है और हर सुबह के साथ हम लोग फिर क्विट नहीं करते हैं, फिर वी आर लाइक नहीं वापस ट्राई करें, ये कोई बात नहीं। तो आपको नहीं लगता कि भगवान जी ने यहाँ पर पूरा ये बैलेंस बना रखा है, ये नेचर का बैलेंस है, नेचर ने आपको ये फेज दिखाया है बट आपको फिर से होल्ड करने के लिए ये फेज भी तैयार रखा है कि तुम चिंता मत करो, ये चैलेंजेस हैं और आएंगे बट हम आपको फिर उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके, आपको यहां पर एनाफोरा देखने को मिलेगा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के अंदर या दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रेजेस के अंदर या दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स या फ्रेजेस की शुरुआत सेम वर्ड से की जाती है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये ऑफ है और उसके बाद में यहां पर भी ऑफ है और यहां पर भी ऑफ है, तो ये देखिए यहां पर भी एनाफोरा है और यहां पर भी एनाफोरा है। ऑल राइट, एलिट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको पता ही है जब भी कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड रिपीट होती है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन ही एलिट्रेशन कंसिडर करते हैं बहुत सारे जगह पे, है ना।
बहुत सारे टीचर्स भी कंसिडर करते हैं, बहुत सारी किताबें भी कंसिडर करती हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट अगर हम वैसे देखते हैं तो एलिट्रेशन पर्टिकुलरली साउंड के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर लार्जली बहुत सारे लोग इसे कंसिडर कर रहे हैं तो इंक्लूड कर दिया है, बट फिर भी आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लार्जली साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे बैंड बाइंड में ब ब का साउंड आ रहा है, नोबल नेचर्स में न न का साउंड आ रहा है। सम शेप की अगर हम बात करते हैं तो सम शेप में हम एक बार को फिर भी थोड़ा रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि सम शेप में स और श इसका साउंड आ रहा है ना। मेटाफर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेटाफर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लावरी बैंड एक्चुअली खूबसूरत चीज़ें हैं। ये फ्लावरी बैंड को रेड करना इज एक्चुअली हमारी ज़िंदगी को अर्थ के साथ जोड़ना। अच्छा, इमेजरी देखने को मिलेगी। यार इमेजरी क्या होती है, इमेजरी पोएट यूज़ करते हैं ताकि वो एग्जैक्टली आपको वो फील करा सके जो वो फील कर रहे हैं। मतलब आपको कैसे बताएं कि पोएट को, मतलब पोएट के नज़रों के अंदर खूबसूरती क्या है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हैं आपकी सेंसेशंस जो हैं उन्हें वो प्रिक करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने विजुअल इमेजरी क्रिएट किया है फ्लावरी बैंड बोल के। जैसे मैंने आपको बोला माला पिरोते हैं, आप सब ने उस माला को विजुअलाइज़ कर लिया, तो उसे विजुअलाइज़ कर लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए समझना कि अच्छा इस तरीके से अर्थ के साथ में हम कनेक्टेड है। क्यों, वो जितने भी खूबसूरत फूल हैं वो खूबसूरत फूल खूबसूरत चीज़ें हैं, तो इसमें इमेजरी और मेटाफर दोनों ही हैं। अच्छा, इन्वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्वर्जन एक्चुअली एक लिखने का तरीका होता है। आपको पता है कि यूजुअली सेंटेंसेस बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब और आपके ऑब्जेक्ट से, राइट। अब कभी कभी क्या होता है, जब आप वर्ब को पहले रख देते हो और सब्जेक्ट को बाद में रखते हो तो हम ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस यूजुअली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है। पर कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ पर बिना क्वेश्चन मार्क के डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही बनाते हैं, बट वर्ब को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। ऐसे फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फॉर्मेशन को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब पहले है और फिर सब्जेक्ट है, आर वी रेडी, ठीक है। सो ये अभी आई थिंक ऑफ ब्यूटी के दो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो हमने कंप्लीट कर लिए विथ लिटरेरी डिवाइसेस। अच्छा, इसके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस पोएम को कंप्लीट करने वाले हैं, और आपने बिल्कुल नेक्स्ट क्लास को फॉलो करना है। और आप चाहते हो कि वो मिस ना हो तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया तो। आपके फीडबैक सारे के सारे वेलकम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक डालिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बट याद रखिए, अभी बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है, 25% डिस्काउंट है। जल्दी से HTC 18 लगाओ और इस डिस्काउंट को कर लो अवेल। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।